प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में जिलाधिकारी महोदय इंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार सीएससी अस्पतालों में चल रहे 5 दिवसीय आशा आवासीय प्रशिक्षण में भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। आशाओं से आवासीय प्रशिक्षण में 100 डॉक्टर द्वारा देने की बात को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ 100 डॉक्टरों वाली ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, जिससे साफ तौर पर यह सिद्ध हो रहा है कि आवासीय आशा प्रशिक्षण में जमकर घोटाला हो रहा है। सरकार द्वारा आशाओं के लिए आए धन का घोटाला हो रहा है। वहीं हद तो तब हो गई जब कलान सीएचसी में मीडिया कर्मियों ने प्रशिक्षण ले रही आशा कत्रियों के रजिस्टर को चेक किया तो वहीं पर किसी भी आशा कार्यकर्त्री के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि आवासीय आशा प्रशिक्षण में रात्रि विश्राम के लिए आए हुए रुपयों का जमकर बंटर बांट किया जा रहा है। कहाँ रहती है? अच्छा, यहाँ यहाँ जो आप आई हैं स्वास्थ्य केंद्र में, यहाँ किस लिए आई हैं? काहे के लिए नहीं है? आवासीय तो इसमें ये जो है कितने दिन की ट्रेनिंग है? और 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो इसमें जो है आप कितने बजे आती हैं और कितने बजे जाती हैं? सुबह सर हम 9 बजे आ जाते हैं। सुबह 9 बजे जाती कितने बजे हैं? 5 बजे जाए थे। जैसा कि इसका नाम है कि आशा आवासीय, तो यहाँ पे जो भी आशा ट्रेनिंग लेती है उनका ये होता है कि उनको रात में यहाँ रुकना होता है। क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि ये रुकना होगा? नहीं बताया। क्या डॉक्टरों ने ये बताया कि जो आशा यहाँ रुकेंगे उनको 100 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा? नहीं बताया। खाने वगैरह में आपको खाना या आप जो भी है मिलता है? लंच मिलता है, मतलब 2 बजे 3 बजे? 2 बजे से ऊपर भी हो जाता? नहीं, 2 से ऊपर। आज कितना टाइम हुआ है? तो कभी कभी ये होता है कि 2 से ऊपर भी हो जाते हैं। यहाँ जो आशा प्रशिक्षण जो चल रहा है आवासीय प्रशिक्षण, इस बारे में आप क्या जानकारी? ये प्रशिक्षण आशाओं को जो इनका HBNC तक प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, गृहधारित नवजात शिशु की और माँ की देखभाल, उसी के अंतर्गत अब तक जो हम लोग बात करते थे, इन आशाओं को सिखाया जाता था कि माँ की और बच्चे की, एक माँ गर्भवती जब होती है महिला, उसको स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं मिले, सारी देखभाल एक आशा के माध्यम से उसकी हो, ताकि वह एक सुरक्षित एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। ये तो आवासीय प्रशिक्षण जो आपका है, ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय है जी। आवासी तो इसमें ये है कि महिला ये जो आती हैं आशाएं आती हैं, कहाँ रुकती हैं? ये आपका आशा आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधा तो सारी मिल रही है, खाना चाय नाश्ता और बैठने को मिला है, मैं अपनी मर्जी से बैठती हूँ और घर जाने के लिए अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अच्छा, इसमें ये प्रशिक्षण जो है 5 दिन का चलना है, तो इन 5 दिनों में क्या आप कभी यहाँ रुकी हैं? नहीं सर, रुके नहीं, रुके किसी ने बोला भी नहीं और रुके भी नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ आपको रुकना है? क्या नाम है? सर अंजिल गुप्ता। यहाँ जो 5 दिवसीय आवासीय चल रहा है, क्या नाम है? सर यहाँ जो आशा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, ये कब से चल रहा है और उसमें आशाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है? ये जो प्रशिक्षण चल रहा है आपका आशा आवासीय प्रशिक्षण, ये कितने दिनों से चल रहा है? मतलब तीसरा बैच चल रहा है, 2 बैच हो चुके हैं, हमारा तीसरा बैच है 29 तारीख से, ये तीसरा बैच। ये कितने दिन का होता है? 5 दिन। तो इन 5 दिनों में आपको सरकार की ओर से क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? मतलब सुबह को चाय नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में लंच दिया जाता है, 4 बजे छुट्टी के समय फिर चाय दी जाती है। 4 बजे जी। तो जैसा कि इसका नाम है आशा आवासीय, तो इसमें ये एक नियम है कि जो भी आशा प्रशिक्षण है कि उसको यहाँ रुकना होगा, क्या आप लोगों में से कितने लोग रुकते हैं? सर रुकने को सर ने कहा था, लेकिन हमारे घर पे थोड़ी समस्या है, थोड़ी दूर गांव है, चले जाते हैं। सर ने कल ही कहा था कि रुकने के लिए खाना व्यवस्था इस तरह हर चीज है, लेकिन घर की समस्याएं हम लोगों को रहती है, इसलिए हम नहीं रुक पा रहे हैं। सर ने हमसे पहले ही बोल दिया था कि रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था है। क्या नाम है? निशीवाला ग्राम।
यूपी के जहांगीराबाद की कृषि उत्पादन मंडी समिति का एसडीएम सुरेश चंद्र सोनी ने निरीक्षण किया तो मंडी में लगे गंदगी के अंबार व जल भराव को देखकर सफाई कर्मियों पर भड़क उठे और मंडी लेखाकार को बुलाकर ठेकेदार का वेतन रोकने व नोटिस जारी करने की कार्यवाही की बात कही, जिससे मंडी में हड़कंप मच गया। लेकिन ये निरीक्षण कराया, मैं अंबार लगा हुआ मिला है गंदगी, इस बारे में क्या कहना आपको? देखिए, अंबार नहीं है, जो पानी जो बरसात की वजह से रुक गया है वो नाले की जो है गहराई ऊपर की ज़्यादा है, नीचे में है, उस पानी को हम अभी निकलवा रहे हैं। पानी भी वो इतने लेवल का नहीं है, 2 या 3 इंच के लेवल का पानी नाली का है, इतना ऊँचा लेवल नहीं है। गंदगी की सफाई का ढेर, जो कोई ऐसा कूड़ा ढेर आप ये दिखाइए जहाँ ये हो कि भाई ये बहुत पुराना कूड़ा है या कोई बाहर बड़ी जगह का कूड़ा है। जैसे ये बता रहे हैं व्यापारी, इसमें 9 कर्मचारी लगे हुए सफाई में, लेकिन मौके पे एक दो ही काम कर रहे हैं। देखिए, 9 कर्मचारी सुबह है, सफाई का टाइम मंडी के खुलने के टाइम से होता है सुबह। आज सुबह करीब 10 बजे तहसील सहसवान नगर के अकराबाद चौराहे पर स्थित खाद की दुकान पर खाद लेने पहुंचे किसानों को खाद विक्रेता द्वारा खाद न बांटने पर गुस्साए किसानों ने अकराबाद चौराहे पर खाद विक्रेता की दुकान के सामने ही जाम लगा दिया। जाम लगते ही बदायूं मेरठ हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम लगा रहे किसानों को हाईवे से खदेड़ दिया, तभी कहीं जाकर जाम खुल सका। ये जाम करीब आधे घंटे से अधिक समय तक लगा रहा। पुलिस ने किसानों को लाइन में लगाकर खाद का वितरण कराया। मुंबई महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की धूम चारों तरफ है। मुंबई पेडर रोड पर स्थानिक नगर सेवक के यहाँ फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी गणपति बप्पा के आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ गई। हाहाकार सुनाई दे रहा है, रोंगटे खड़े हो यार, बस ये माहौल देखिए, ये आज की चकाचौंध देखकर लोगों का प्यार देखकर और एक इंसान क्या फील कर रहा है। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, पूरी गूज़बम्प और आप देखो इमोशनल बहुत हो जाते हैं जी सर। जब माहौल सही होता है और जो जो भावना सही होती है ना, तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं। तो यही चाहते हैं कि ये इमोशन सारे देश में फैले और जहाँ जहाँ जो जो गणपति बापा में बिलीव करते हैं उनके घरों में खुशी और इमोशन। सुनील जी, आप हमेशा सभी से लगे रहे, सभी के करीबी हैं, आपने अभी जिक्र किया नेबर्स का, पड़ोसियों का, एक कितना दर्द है, कितना गुस्सा है हर हिंदुस्तानी में? गुस्सा नहीं होगा, माफ़ी करना चाहेंगे हम और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अच्छा ही, लेकिन जब बार बार तकलीफ होती है तो फिर तो चोट तो पहुँचता ही है। कभी ना कभी तो बड़ा भाई हो या पिता हो खड़ा होता ही और बच्चे को डांटने जाता ही है तो